बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम देखते तो रोज है बट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते या उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनके पीछे भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें छिपी होती है जो आपको और हमें बाद में पता चलती है और हम तब ये सोचते हैं कि हमने तब ये पहले क्यों नहीं सोचा। सो हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल दी इंफरटेनमेंट। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस दुनिया में लगभग हर एक व्यक्ति को किसी न किसी प्रॉब्लम्स की वजह से एक न एक बार मेडिसिन्स खानी ही पड़ती है। अब चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो या कोई मामूली सा पेट दर्द, मेडिसिन्स तो खानी ही पड़ती है, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो। अगर आपने उस मेडिसिन्स की पत्तियों को गौर से देखा होगा तो हर दवाइयों के बीच में स्पेस छोड़ी जाती है, और आप में से बहुत से कम लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि आखिर ये स्पेस छोड़ी क्यों जाती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्पेस बेफिजूल की छोड़ी गई है तो रुकिए, आप गलत हो। इन स्पेस को छोड़ने के पीछे भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये स्पेस छोड़ने के पीछे आखिर रीजंस क्या हैं। रीजन नंबर वन, केमिकल रिएक्शन का खतरा होना। ये खाली जगह इसलिए भी दी जाती है क्योंकि ये मेडिसिन को आपस में मिलने से रोकती है, क्योंकि अगर मेडिसिन आपस में मिलती है तो केमिकल रिएक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर इनके बीच केमिकल रिएक्शन हुआ तो ये पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी, और फिर चाहे आप उस पत्ती से कितनी ही मेडिसिन खा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन नंबर टू, पीवीसी सीट्स को मजबूत बनाए रखना। मेडिसिन जो होती है वो पीवीसी सीट्स यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड में पैक होती है, और ये जो खाली स्पेस होती है वो इस पीवीसी को स्ट्रांग बनाए रखती है। एक्चुअली पीवीसी में कुछ ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी वजह से ये मेडिसिन की फिटिंग को मजबूती देते हैं, साथ ही साथ ये पैकेजिंग को भी स्ट्रेट रखने में हेल्पफुल होते हैं। रीजन नंबर थर्ड, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इन स्पेस को छोड़ने के पीछे एक रीजन ये भी है कि इनके पीछे उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग डेट और उस मेडिसिन के कंपोजिशन और एक्सेट्रा, और इसलिए ये स्पेस छोड़ी जाती है ताकि ये सभी इंफॉर्मेशन उस पत्ती के पीछे दर्शाई जा सके। रीजन नंबर फोर, मेडिसिन को डैमेज होने से बचाना। इन सभी के अलावा ये स्पेस इसलिए भी छोड़ी जाती है ताकि मेडिसिन को डैमेज होने से बचाया जा सके और आप अपना डोज सही से ले सकें। अगर आपके डॉक्टर ने एक वीक में एक ही गोली खाने को बोला है और उस पत्ती में एक ही टैबलेट है तो आपको मेडिसिन के अलग अलग पत्तों को खरीदना होगा, इससे आपका डोज भी सही रहेगा और मेडिसिन के पत्तियों की काउंटिंग भी ईजी रहेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मेडिसिन की पत्तियों से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स बताती हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने गौर किया होगा कि कुछ मेडिसिन की पत्तियों के पीछे इस तरह की लाल पट्टी दी गई होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये लाल पट्टी दी क्यों होती है? मैं आपको बताती हूँ। दरअसल दवाइयों के पत्तों पर बनी ये लाल कलर की पट्टी का मतलब होता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना न तो इसे बेचा जा सकता है और न ही डॉक्टर की सलाह के बिना इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्चुअली में एंटीबायोटिक मेडिसिन को गलत तरीके से यूज से रोकने के लिए इस लाल पट्टी को बनाया जाता है। दवाइयों के जिन पत्तों के पीछे NRX लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि उस दवाई को लेने की सलाह सिर्फ वही डॉक्टर दे सकते हैं जिनके पास नशीली दवाइयों का लाइसेंस प्राप्त हो, और कुछ दवाइयों के पीछे RX लिखा होता है जिसका मतलब ये होता है कि उस दवाई को सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि मेडिसिन के पत्तों में जो खाली स्पेस होता है वो बेफिजूल की नहीं बल्कि उनके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।